कुछ खबरें होती हैं खास, कुछ खबरें होती हैं अलग, कुछ खबरें होती हैं हटकर लेकिन जरूरी होती हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसी तरह की कुछ खास खबरें। आज जिस कोरोना की हम बात कर रहे हैं, घर घर जिसका नाम है, हर एक के जवान पर जिसकी चर्चा है और जिसे कहा जा रहा है कि कुछ समय पहले ही इसके बारे में पता चला है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके पहले भी इसके बारे में पता चल चुका है। एक महिला ने इसकी खोज की थी लगभग 56 ईयर पहले। कोरोना वायरस की खोज की जा चुकी थी 1964 में यूके में। सामान्य सर्दी जुखाम पर रिसर्च चल रहा था, इसी दौरान डॉक्टर जून अल्मीरा ने अपने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से एक तस्वीर ली थी। फ्लू के सैंपलों की जांच कर रही थी, इसी दौरान उन्हें एक तस्वीर दिखी जो बिल्कुल अलग थी। एक वायरस दिखा जो कि गोल था और उसकी चारों तरफ कांटे निकले हुए थे। देखने में सूर्य के कोरोना जैसा लग रहा था, इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया। और उन्होंने इसको लेकर एक शोध पत्र रिसर्च पेपर भी लिखा, लेकिन तस्वीरें धुंधली होने के कारण उसे रिजेक्ट कर दिया गया था। हालांकि इसके बारे में जानकारी पहले से मिल सकती थी अगर इसे गंभीरता से लिया होता, लेकिन अब गंभीरता से लेना ही है क्योंकि कोरोना पूरे विश्व में कहर बन चुका है। तो ये है वो तस्वीरें जो कि तब ली थी इस महिला वैज्ञानिक ने, और कहा था कि कोरोना एक खतरनाक वायरस है, लेकिन तस्वीरें तब धुंधली थी, पर अब बिल्कुल तस्वीरें साफ होने लगी हैं।